नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। क्या है डार्क वेव जिसकी अंधेरी दुनिया में उलझ कर रह गई दिल्ली के 150 स्कूलों को मिले धमकी वाले ईमेल की जांच। दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों में बुधवार को हड़कंप मचा रहा। स्कूलों में अफरा तफरी की वजह उन्हें बम से उड़ाने की धमकी वाला था। दरअसल दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो भेजे गए ईमेल का आईपी एड्रेस रूम का निकला। पुलिस का कहना है कि ईमेल भेजने में विदेश में एस्टेब्लिश सर्वर और डार्क वेव का इस्तेमाल किया हो सकता है। डार्क वेव की वजह से पुलिस के लिए ईमेल भेजने वाले को खोज पाना मुश्किल हो जाता है। पहले भी कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ज़्यादातर मामलों में ईमेल भेजने वालों का पता नहीं चलता। आइए जानते हैं कि डार्क वेव में ऐसा क्या है जो यहाँ सब कुछ खो जाता है। क्या होता है डार्क वेव? डार्क वेव कुछ अलग नहीं है, ये भी इंटरनेट का ही हिस्सा है, लेकिन इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इंटरनेट की दुनिया का वो काला हिस्सा है जहां अवैध और वैध हर तरह के काम होते हैं। यहां तक आपका सर्च इंजन आसानी से नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए स्पेशल ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट की दुनिया तीन हिस्सों में बटी हुई है। हम जिस हिस्से का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं इसे सरफेस या सेफ इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट की पूरी दुनिया का महज 4% हिस्सा ही होता है। इसके बाद 96% हिस्सा डीप वेव और डार्क वेव का होता है। आईपी से कैसे ट्रेस की जाती है किसी की लोकेशन? वीपीएन यूज करने के बाद भी पकड़े जा सकते हैं क्रिमिनल्स। आप इसे समुद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस तरह के समुद्र तीन हिस्सों में होता है, पहला समुद्र की सतह जहां गूगल और दूसरे सर्च इंजन मौजूद होते हैं। इधर पर आपको वे कंटेंट्स दिखते हैं जो सर्च इंजन पर इंडेक्स होते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।